दिल्ली के खास ही नेताओं से मुलाकात हुई खड़गे साहब से। प्रियंका जी जीत के आई हैं तो उसे बधाई भी देना है। देखिए किसने लगाया, उसमें क्या क्या मैटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सिफारिश उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन EVM पे सवाल तो है, हमारी जो मांग है वो है कि EVM से जो पर्ची निकलती है और बाक्सम गिरता है उसे मतदाता का हाथ में दिया जाए और वो बाक्सम डाले, इतना करने में सुप्रीम कोर्ट क्या आपत्ति हो सकती है निर्देश देने में? प्रक्रिया वही है, आप EVM से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए न ही सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ होना चाहिए। देखिए अभी 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। यहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस के, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के देर रात तक के हमको ये कितना मतदान हुआ, आज EVM इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें EVM से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात ये है कि 543-42 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ तो ऐसा, तो 542 में हुआ, उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले, बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टेली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे अब काउंट है ना, ये कितने भी NGO ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, कोई अपने मन से कोई नहीं कह रहा है, YouTube में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसा चुनाव है? BJP क्यों करना चाहिए? भारत सरकार क्या सोई हुई है? जिम्मेदारी भारत सरकार की है? यदि दुनिया में कहीं भी भारतीय है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? विश्वगुरु की है ना, जो सबसे शक्तिशाली है। क्यों रक्षा नहीं कर पा रही भारत सरकार? उसकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की रक्षा करे जो देश से बाहर रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश न करे और इसे राजनीति न करे, इस मुद्दे से भाग भारत सरकार अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। वो मंत्री है, वो अपने विदेश मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बात करे और उनकी सुरक्षा प्रदान करे, क्यों नहीं कर रही है? और भारत सरकार का स्टैंड क्या है? जब बांग्लादेश में घटना घटी राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ी थी, जो सरकार का निर्णय होगा हम साथ में हैं, उसके बाद भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? सरकार का स्टैंड क्या है? गिरिराज सिंह मंत्री है, मंत्री होने की हैसियत से वो बात करे, वो दूसरे सवाल ना पूछे, खुद क्या कर रहे हैं और सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए।